Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर. आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री. राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है. सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था और आज से कांग्रेस गारंटी यात्रा शुरू करने जा रही है. गाजा में इसराइल के हमलों को एक महीना हो गया है. अब तक गाजा में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 41,000 से ज्यादा बच्चे हैं. आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जर माजरा को सोमवार देर रात ईडी द्वारा मेडिकल जांच के लिए जालंधर के सिविल अस्पताल लाया गया. उन्हें बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता प्रचार करे हैं, लेकिन इन सब के बीच सांसद प्रज्ञा सिंह प्रचार प्रसार के लिए अब तक नजर नहीं आई. लगातार 3 दिन चढ़ने के बाद आज चौथे दिन शेयर बाजार की चाल थोड़ी सुस्त दिखी जा रही है. सेंसेक्स और निफ्टी मिले जुले कारोबार के साथ खुले हैं. सेंसेक्स के शेयरों में आज 30 में से 13 शेयरों में तेजी के साथ तो 17 शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है. दिल्ली NCR की हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है. प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में बारामती में अजीत पवार गुट ने भारी जीत दर्ज की है. 32 सीटों में से 30 पर अजीत पवार की NCP ने जीत दर्ज की है. AC लोकल ट्रेन की लोकप्रियता और यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 6 नवंबर 2023 से मुंबई वेस्टर्न रेलवे पर AC लोकल सेवाओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में BRS पार्टी की एंट्री हो चुकी है. BRS ने भंडारा में 9 ग्राम पंचायतों पर झंडा गाड़ा है. महाराष्ट्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का कार्यक्रम है. इस बीच उनके कार्यक्रम को लेकर सड़कों पर जाम लग गया है. शहर का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है. महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण की मांग तेज होने लग गई है. कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सभी मराठाओं को OBC श्रेणी में कुनबे के रूप में मान्यता दी जाए. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर CM एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में एक अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में 8 जिलों के कलेक्टर सहित कई नेता शामिल हुए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने कोविड बॉडी बैग स्कैम मामले में मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को समन भेजकर 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. महादेव सट्टेबाजी ऐप कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए गली की पास बनता जा रहा है. यूनिवर्सल हीरो कमल हसन का आज 68वां जन्मदिन है. सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस मशहूर एक्टर के लाखों फैंस हैं. वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश श्रीलंका मुकाबले में एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट होना एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है. वह क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज है जो टाइम आउट दिए गए हैं. अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक ने दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी से मुलाकात की. नवीन की उनके साथ की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. फरहान अख्तर की डॉन 3 में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आएगी. रश्मिका मंदाना की हाल ही में एक मॉफ वीडियो वायरल होने के बाद अमिताभ बच्चन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी. वहीं अब पुष्पा एक्ट्रेस ने इसके लिए बेबी को थैंक यू कहा है. ये थी आज की टॉप 20 खबरें. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिए NBCN News. नमस्कार.